सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सत्संग जो शब्द है, सत्संग शब्द ही बताता है सत्य का संग, असत्य से विरत होना, उसी को बोलते हैं सन्मार्ग पर चलना। सत्य के राह पर चलने को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग की अपने शास्त्रों में बहुत अद्भुत महिमा कही गई है। सत्संग से जीवन परिवर्तन होता है, चाहे महर्षि आदिकवि वाल्मीकि जी हों, जो सत्संग के माध्यम से, संतों के संग के माध्यम से, और वो बाद में आदिकवि बन गए और ब्रह्मर्षि बन गए। सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है। हर व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, और उसके पर्याय के रूप में है संत समाज, क्योंकि तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले हमारे संत हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो पिबत हृतकर्ण रसायना कथा। संतों का संग करके भगवान का चरित्र उनके कर्ण विवरों से जब हृदय में आती है, तो कितना भी कैसा पाषाण हृदय क्यों न हो, उसका हृदय अवश्य ही परिवर्तित होकर के ही रहता है। सबसे बड़ी सनातन धर्म की विशालता देखिए। मैं अन्य धर्मों के विषय में उतना नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, पर एस धर्म सनातन, ये सनातन धर्म की जो चर्चा है, मुझको लगता है इससे पुराना किसी कोई है नहीं, क्योंकि किसी का 1200, 1400, 2000 वर्ष के अंतराल में ही सभी धर्म आते हैं। पर अभी तक अन्य सर्वे के अनुसार, चाहे पुरातत्व विभाग के हो और तमाम, 5000, 6000 वर्षों के तो हम लोगों के पास में अभी प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे महाभारत खंड का हो, राम सेतु जो है वो अभी भी वर्तमान समय में प्रत्यक्ष हैं। तो ये अनादि काल से चला रहा सनातन धर्म, कोई काल गणना में नहीं है। सबसे बड़ी, मैं तो अपने में कभी गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सनातन हिंदू धर्माविलंबी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। सत्संग की चर्चा हमारे सनातन धर्म में बहुत होती है, और इसकी व्यापकता देखिए। हमारे यहाँ महर्षियों ने जो सूत्र दिया, वो जाति वर्ग मत मजहब, एक सूत्र में समाज को बांधने का काम किया है। हमारे यहाँ सूत्र जो लिखा, उसमें लिखा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने सबके कल्याण की भावना का, सर्वे भवन्तु सुखिना में किसी जाति मजहब पंथ का कोई भेदभाव नहीं दिया, सबको एक साथ में सुखी होने का आशीर्वाद दिया। और बाद में परिवार भी माना, तो किसी एक परिवार को अपना परिवार नहीं माना कि मेरा चार दीवार का अपना भाई पत्नी परिवार ही कोई परिवार है। उन्होंने सूत्र दिया वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा विश्व ही, पूरा पृथ्वी ही हमारा एक अपना परिवार है। और जब अपने परिवार के साथ हम कितना सौहार्दपूर्वक रहते हैं, कितना अपनत्वपूर्वक रहते हैं, ये जो संदेश है, ये सत्संग की जो महिमा है, सब सुखी होने का जो मंत्र है, वो सत्संग से ही निकल करके आता है। इसीलिए सत्संग जीवन में होना चाहिए। मैं तो चाहे कहता हूँ कि जीवन में जिसके सत्संग आ गया, उसके जीवन की सारी व्यथा अपने आप समाप्त हो जाती है, और जिसके जीवन की व्यथा समाप्त हो गई, फिर जीवन आनंदमय ही होता है।